नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा निगम और आप देख रहे हैं आज की नई नौकरी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आए हैं। यह न्यूज है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एएलपी की। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नए नए फार्मों की। दोस्तों अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नए नए फार्मों की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आपको अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी देखिए ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर, परीक्षा अधिक आवेदन की वजह से टली। ये ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की कोई अभी नोटिफाइड सुन नहीं है। पोस्ट नेम थी ग्रुप डी की और नंबर ऑफ वैकेंसी 62,907 थी सर जी टोटल पोस्ट। और देखिए आपकी स्टेटस ऑफ एडमिट कार्ड अभी कमिंग सून है। मोड ऑफ एग्जाम देख सकते हैं ऑनलाइन होगी या रिटर्न एग्जाम होगी इसमें। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, रेलवे ग्रुप डी रिकॉर्ड आवेदन की वजह से टली रेलवे भर्ती परीक्षा इलाहाबाद। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की ओर से लोको पायलट टेक्नीशियन एवं ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षा टाल दी गई है। पहले यह परीक्षा मई में शुरू होनी थी लेकिन अब अगस्त के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है दोस्तों। 90,000 पदों पर भर्ती के लिए 2.37 करोड़ रिकॉर्ड आवेदन आने से बोर्ड अब तक परीक्षा केंद्रों का चयन नहीं कर सका। ऐसे में परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की जा सकी है। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड को ऐसे केंद्रों का चयन करना है जहाँ परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सकें। ऐसे में यह परीक्षा शुरू होने के बाद तकरीबन 2 माह में ही संपन्न हो सकेगी। फरवरी माह में ही बोर्ड की ओर से असिस्टेंस लोको पायलट टेक्नीशियन के 26,502 और ग्रुप डी के 62,907 पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इन पदों के लिए देश भर से तकरीबन 3 करोड़ अभ्यर्थी ने आवेदन किया। आवेदन पत्र की छटनी के बाद 2.37 करोड़ अभ्यर्थी के लिए रेलवे द्वारा परीक्षा केंद्रों का इंतजाम किया जाना है। अभी दोस्तों RRB इलाहाबाद के चेयरमैन SM नकवी का कहना है कि रिकॉर्ड आवेदन की वजह अभी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है। बोर्ड स्तर पर इसे लेकर मंथन चल रहा है, शीघ्र ही परीक्षा तिथि बोर्ड द्वारा घोषित की जा सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी यह जो परीक्षा होने वाली थी अभी टल गई है। तो दोस्तों आप न्यूज़ को सुन लिए होंगे जो मैं पढ़ा हूँ दोस्तों। देखिए इसी माह शुरू होनी थी 90,000 पदों पर नियुक्ति। तो देखिए दोस्तों 2.37 करोड़ आवेदनों के लिए केंद्र का चयन बना रोड़ा। तो देखिए दोस्तों अभी इसकी परीक्षा टल गई है जो इसी मंथ में होने वाली थी। अभी देखिए एडमिट कार्ड कमिंग सून है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपको मैं न्यूज देता रहूँगा नए नए फार्मों की और आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कोने वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।